हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कविता की बुनाई में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा स्वेटर का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो ये स्वेटर का डिज़ाइन आप लोग जेंट्स के लिए, लेडीज़ के लिए, बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो ये जो डिज़ाइन है हमारा, 10 फंदों के मल्टीपल में बनेगा। तो आपने 10 फंदे लगाने हैं, उसके अलावा आपने 6 फंदा एक्स्ट्रा ज़रूर रखना है, ठीक है। तो आपने जैसा मर्ज़ी बॉर्डर बनाया है, बॉर्डर बनाने के बाद ये हमारी डिज़ाइन की पहली सिलाई है सीधी साइड से। तो चलिए शुरू करते हैं डिज़ाइन की हमारी पहली सिलाई सीधी साइड से। पहला फंदा उतार दिया। अब हमने शुरू के 1 2 3 4, ये 4 फंदों को ट्विस्ट करना है। तो ये देखिए, ये जो पहला फंदा को इधर लाना है और चौथा फंदा को इधर बीच में लाना है। तो इस तरह से ट्विस्ट करेंगे, ये देखिए, ये 2 फंदे, पहले 2 फंदे ट्विस्ट करेंगे सामने के, पहले सामने के 2 फंदे हमने ट्विस्ट करे, अब ये 2 फंदे ट्विस्ट करेंगे, पीछे का फंदा हम बीच में लाएंगे और बीच वाला फंदा पीछे लेकर जाएंगे, इस तरह से। ये 4 फंदे हमारे ट्विस्ट हो गए, फिर 6 फंदे हमने बनाने हैं सीधे। 1 2 3 4 5 6, यही 10 फंदे हमें पूरी सिलाई पर रिपीट करनी है, ठीक है। पहले हम 1 2 3 4, ये 4 फंदों को ट्विस्ट करेंगे, पहले ये 2 फंदे फिर 2 फंदे, ये देखिए इस तरह से सामने वाले को इधर लाएंगे, ये 2 फंदे ट्विस्ट हो गए, फिर ये 2 फंदे इसको ऊपर से सामने लाएंगे और सामने वाले को पीछे लेकर जाएंगे। ये फिर से हमारे फंदे ट्विस्ट हो गए, फिर से 6 फंदे सीधे, 6 फंदा सीधा, ठीक है। फिर से हमने फंदे ट्विस्ट करने हैं, ये देखिए 1 2 3 4, ये फंदे, पहले 2 सामने के फंदे ट्विस्ट करेंगे इस तरह से, ये 2 फंदे हमारे इधर ट्विस्ट हो गए, अब ये 2 फंदे पहले पीछे वाले के ऊपर से लेकर आएंगे और सामने वाले को पीछे लेकर जाएंगे, इस तरह से। ये 2 फंदे फिर से हमारे ट्विस्ट हो गए, फिर 1 2 3 4 5 6 फंदा सीधा, ठीक है। तो ये हो गई हमारे डिज़ाइन की पहली सिलाई सीधी साइड से कंप्लीट। तो मैं बता रही हूँ आपको, हमेशा जब डिज़ाइन सेट करने होते हैं आपको, हमेशा पहले फंदे सेट करने होते हैं। तो 10-10 फंदों के गुणे में आपने फंदे लगाने हैं, उसके अलावा आपको 6 फंदे एक्स्ट्रा ज़रूर रखना है, ठीक है। तो पहली सिलाई हमारी सीधी साइड से कंप्लीट हो गई, सेकेंड रो हमारी रॉन्ग साइड, दूसरी सिलाई है उल्टी तरफ से। तो यहाँ पर पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। हमारी दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से, पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये हमारी दूसरी सिलाई उल्टे तरफ से हो गई कंप्लीट, पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट किया, इस तरह से। डिज़ाइन की तीसरी सिलाई थर्ड रो राइट साइड है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे। पहला फंदा उतारा, तो पहले हमने क्या किया था, जो हमारे ट्विस्ट के फंदे थे, ये वाला फंदा इधर ले गया था और ये वाला फंदा इधर लाया था। इस बार हम ये 2 फंदों को बाहर की तरफ लेंगे, ये पीछे वाला फंदा इधर और इधर वाला फंदा इधर। तो जैसे ये 2 फंदे ट्विस्ट होने हैं तो इस फंदे को इधर लाएंगे, इस तरह से।
पहले अंदर की तरफ ले गए थे, अभी बाहर की तरफ ला रहे हैं इस तरह से, ठीक है। ये फंदों को ट्विस्ट करना है, तीसरी सिलाई सीधी साइड से। ये फंदे यहाँ पर ट्विस्ट हुए और ये फंदे इधर, बीच वाला फंदा इस बार बाहर की तरफ इस तरह से, एक फंदा सीधा। ये हमारे दो ट्विस्ट के फंदे, फिर छह फंदे सीधे। अब यहाँ से आगे हमारा सेम वही पैटर्न, दो तीन चार पाँच छह फंदा सीधा। फिर से तीसरी सिलाई में आपको ये जो पीछे का फंदा है सामने लाना है, ऊपर से इस तरह से, इस तरह से ट्विस्ट करना है दो दो फंदों को। पीछे फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छः फंदा सीधा। ये देखिए, ये दो हमारे ट्विस्ट के फंदे, ये चार, एक दो तीन चार, तो दो बीच वाले फंदे को इसको इधर लाना है, इसको उधर ले जाना है इस तरह से। ये फंदे हमारे इधर ट्विस्ट हो गए, ये फंदे हमारे इस तरह से इधर ट्विस्ट हो गए। तो ये हो गई हमारी तीसरी सिलाई कंप्लीट सीधे तरफ से। डिज़ाइन की हमारी चौथी सिलाई उल्टे तरफ से, फोर्थ रो रॉन्ग साइड। यहाँ पर पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे इस तरह से। आपके पास जितने भी फंदे हो उल्टे तरफ से, हर बार आपका उल्टा उल्टा ही बनेगा पूरे फंदे। ये हमारी हो गई चौथी सिलाई कंप्लीट उल्टे तरफ से। अब जैसे यहाँ पर चार सिलाई में हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया, ये देखिए हमारा प्यारा सा डिज़ाइन का लुक बनकर आया है। तो अब हमें दो सिलाई बिल्कुल सिंपल बुनाई करनी है। जैसे ये हमारी राइट साइड है सीधी तरफ से, तो यहाँ पर पूरे फंदे सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट करेंगे। दो सिलाई हमको बिल्कुल सिंपल बुनाई करनी है, ये सीधी तरफ से पूरे फंदे हम सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट करेंगे इस तरह से। तो इस सीधी साइड से हमने पूरे फंदे सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट किया। अब उल्टे तरफ से, तो यहाँ पर भी पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। इस तरह से, तो आपके पास जितने भी फंदे हो उल्टे तरफ से, पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करना है। दो सिलाई हमें डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद दो सिलाई सिंपल बुनाई करनी ही करनी है हर बार। तो दो सिलाई, ये जो दूसरी सिलाई है कंप्लीट करेंगे। ये हमारी दूसरी सिलाई हो गई कंप्लीट उल्टे तरफ से। डिज़ाइन की तीसरी सिलाई, सॉरी दूसरी सिलाई हमने कंप्लीट की। अब फिर से हम डिज़ाइन की पहली सिलाई सेम वही रिपीट करेंगे, लेकिन हमारा जगह चेंज होगा डिज़ाइन का। ये जो डिज़ाइन बना है हमारा इधर बनेगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, शुरू में पहली सिलाई फिर से, पहला फंदा उतारा। अब ये एक दो तीन चार, ये जो चार फंदे पर हमने ट्विस्ट करा था पहले, ये चार फंदे पर हमने डिज़ाइन बनाया था, फिर और एक फंदा हमने सीधा बनाना है, ठीक है। उसके बाद जैसे चार फंदा हमारे ट्विस्ट करे थे, तो ये चार डिज़ाइन के आ गए और एक फंदा हमने ट्विस्ट करना है, यानी कि एक दो तीन चार पाँच फंदा बनाना है एस स्टिच के साथ, छः फंदा सीधा। अब फिर से हमारा सेम डिज़ाइन वही है, ये देखिए ये वाला और ये वाला फंदा बीच में आएगा इस तरह से। ये फंदा इधर हमारे ट्विस्ट हो गए और ये पीछे का फंदा को हमने लाना है सामने,
इस तरह से। ये देखिए ये फंदे हमारे हो गए इधर ट्विस्ट, ठीक है। फिर से छह फंदा हमारा सीधा आएगा। डिज़ाइन हमारा सेम वही है, जगह चेंज हो रहा है। एक दो तीन चार पाँच छः, फिर से सेम वही डिज़ाइन। इस तरह से नीचे से सिलाई लगा दिया, पीछे का फंदा को हमने सामने लाना है। इस वाले फंदे को इधर ला दिया, फिर ये दो फंदे फिर ट्विस्ट हो गए। इस तरह से दो दो करते हुए चार फंदे ट्विस्ट करने हैं, फिर छह फंदा सीधा। एक दो तीन चार पाँच छः, फिर से यहाँ पर हमने फंदे ट्विस्ट करने हैं। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच छः, इधर फिर से फंदे ट्विस्ट करने हैं हमने। ये देखिए इस तरह से पहले ये दो फंदे ट्विस्ट करेंगे, अब ये दो फंदे ट्विस्ट करेंगे। पहली सिलाई सीधी साइड से आपको हर बार ऐसे ही करनी है, ठीक है। इस तरह से ये फिर से हमारे दो फंदे ट्विस्ट हो गए, टोटल हमारे चार फंदे ट्विस्ट हो गए। तो ये हो गई हमारी पहली सिलाई सीधी साइड से कंप्लीट। दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से, यहाँ पर पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से, तो हर बार जब भी आपका रॉन्ग साइड से बनेगा उल्टी तरफ से, पूरे फंदे यहाँ पर उल्टे उल्टे बनेंगे। तो पूरे फंदे हम कंप्लीट करेंगे। ये हो गई हमारी दूसरी सिलाई उल्टे तरफ से कंप्लीट। फिर से डिज़ाइन की तीसरी सिलाई सीधी साइड से, तो एक फंदा हमारा एस स्टिच, एक दो तीन चार पांच फंदा सीधा, सेम वैसे ही जैसे हमने पहली सिलाई में बनाया था। अब ये देखिए तीसरी सिलाई सीधी साइड से। अब ये जो ट्विस्ट के फंदे हैं, ये पीछे वाला को सामने लाना है, इधर से भी पीछे वाला को उधर ले जाना है। इस तरह से ट्विस्ट करने हैं तीसरी सिलाई में। इस तरह से आप बिना उतारे भी फंदे ट्विस्ट कर सकते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः फंदा सीधा। ये देखिए इस तरह से बिना उतारे आप फंदे ट्विस्ट कर सकते हैं। ये दो फंदे हमारे ट्विस्ट हो गए, फिर इधर के फंदे। इस तरह से भी आप फंदे ट्विस्ट कर सकते हैं, फिर छः फंदा सीधा। छः फंदा सीधा फिर से ट्विस्ट करेंगे, पीछे वाला फंदा पहले बनाएंगे, फिर इसी में सामने वाला फंदा बनाएंगे, फिर दोनों को एक साथ छोड़ना है, फिर इधर भी पीछे वाला फंदा बनाया, फिर सामने वाला फंदा बनाया, फिर छोड़ना है, फिर दो फंदा सीधा। तो ये हो गई हमारी डिज़ाइन की तीसरी सिलाई सीधी साइड से कंप्लीट। देखिए ये हमारा प्यारा सा डिज़ाइन का लुक इस तरह से बनकर आ रहा है। डिज़ाइन की चौथी सिलाई उल्टी तरफ से, तो यहाँ पर पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये हमारे डिज़ाइन की हो गई चौथी सिलाई उल्टे तरफ से कंप्लीट। यही चार सिलाइयाँ आपको बार बार रिपीट करनी है। चार सिलाई के अलावा दो सिलाई आपको सिंपल बुनाई करनी है, जैसे सीधी साइड से सीधी सीधी बुनाई और उल्टे तरफ से उल्टी उल्टी बुनाई। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन का पैटर्न बनकर आएगा। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा और बिल्कुल सिंपल सा स्वेटर का डिज़ाइन है। तो ये डिज़ाइन आप ज़रूर ट्राई करें।
तो ठीक है दोस्तों, बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप लोगों को मेरी डिज़ाइन वाली वीडियो अच्छी लगती है, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगता है, समझ आता है, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।